24 साल देश के लिए क्रिकेट खेलना वो मेरे लिए सबसे अहम चीज़ थी और उन 24 सालों में अलग अलग चैलेंजेस आए मगर वो जो देश के लिए खेलने की जो डिज़ायर कहते वो इतनी थी स्ट्रॉन्ग कि अलग अलग चैलेंजेस को सॉल्यूशन उनका निकालना उसमें फैमिली का साथ रहा कोचेस दोस्त प्लेयर्स काफ़ी लोग थे मेरे साथ तो वो एक तो मेरे लिए एक ड्रीम था एक ड्रीम जर्नी थी 24 साल की मगर कल रात को ऑब्वियसली जब मैं बैठा हुआ था तो अब तक पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वो स्ट्राइक नहीं हुआ है कि और क्रिकेट नहीं खेलने वाला कहीं ना कहीं तो जाके खेल लूँगा मगर आई थिंक अगर मुझे 24 साल के बारे में बात करनी है तो मैं इन शॉर्ट इतना ही कहूँगा कि ये मेरे लिए ड्रीम जर्नी रह चुकी है और कोई रिग्रेट ऐसे नहीं है कि मैं छोड़ रहा हूँ क्रिकेट आई थिंक मुझे लगा कि ये सही वक्त था क्रिकेट रोकने का और यही कह सकता हूँ कि ये बहुत इन्जॉयबल जर्नी इवन दो फिजिकली आई एम नॉट प्लेइंग फॉर इंडिया इन माई हार्ट आई ऑलवेज बी प्लेइंग फॉर इंडिया एंड प्रेइंग फॉर इंडियाज विक्ट्री वेदर मैं टीम का हिस्सा हूँ या नहीं रियली डजंट मैटर आई थिंक जो मैं सोचता हूँ एज एन इंडियन जब भी इंडिया सिर्फ क्रिकेट ही नहीं कोई भी फील्ड में पार्टिसिपेट करे इंडिया कम्स फर्स्ट एंड देन द रेस्ट देखिए अर्जुन तेंदुलकर को एज अ फादर कहूँगा कि उसको छोड़ दो क्रिकेट एंजॉय करने दो उससे हर बार एक्सपेक्टेशंस मत रखो कि उसने उसके फादर ने इस तरह से परफॉर्म किया है तो अर्जुन ने भी करना चाहिए अगर उस तरह का प्रेशर मुझ पे भी होता तो मेरे हाथ में शायद पेन होता क्रिकेट बैट नहीं होती क्योंकि मेरे फादर प्रोफेसर थे लिटरेचर फील्ड में थे मगर कभी उस समय तो आपने ये सवाल नहीं किया मुझे मेरे फादर को कि क्या आपका बेटा क्रिकेट की बैट क्यों हाथ में पकड़ रहा है और पेन नहीं है उसके हाथ आई थिंक सबसे अच्छा पल तो मैं यही कहूँगा कि जब हमने 2 साल पहले वर्ल्ड कप जीता यहाँ पे आई थिंक मेरा एक ख्वाब था कि वर्ल्ड कप जीतना है काफ़ी टाइम रुकना पड़ा 22 साल बहुत लंबा पीरियड होता है